डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क एंड स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले बेटा आप इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क को देखिए। पिछली बार एनटीएससी ने 2019 में एक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा था। एक्चुअल में ये है क्या, ये देखिए स्क्वायर की तरह बने हुए हैं ऐसे, ये जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट हैं ये स्क्वायर की तरह आपको दिख रही है। इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और अपवर्ड डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी और डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी इन्फिनिटी। तो हमने ऐसे कोई दो पॉइंट ले लिए ए और बी। ये जो ए और बी दो पॉइंट है ये सेम रिपीटिंग यूनिट पे है, ये वाले जो रिपीटिंग यूनिट है ना ये स्क्वायर टाइप, इसी पे हैं दोनों पॉइंट। तो अब हमें इस पूरे ग्रिड का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है वो इन दो पॉइंट के बीच में निकालना है। तो देखते हैं बेटा कैसे निकालेंगे। ये देखिए, जैसा कि डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है, दिस इज ए स्क्वायर टाइप इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क, और जो रिपीटिंग यूनिट है इस ग्रिड नेटवर्क में वो हमारे पास स्क्वायर है बेटा। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वो ये जो रिपीटिंग यूनिट है इसमें चार साइड है, तो हर एक साइड का जो रेजिस्टेंस है वो आर दिया हुआ है। इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द इस साइड ऑफ द स्क्वायर देन व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए बेटा कैसे निकालेंगे। जो कल वाला जो लेक्चर था उसमें बेटा मैंने आपको बताया था लैडर नेटवर्क का कॉन्सेप्ट, बस वही है। अब इस कॉन्सेप्ट को हमें मल्टी डायरेक्शंस में लगाना है। तो ये देखिए भाई, हम क्या करेंगे कि x मान लेते हैं, x बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो भाई ये हमारा पॉइंट ए हो गया बेटा, और ये वाला जो पॉइंट हमारा ये बी हो गया। तो अब देखिए, आप ग्रिड नेटवर्क से देखिए, ग्रिड नेटवर्क में जहाँ ए और बी है, यहाँ पे ये ए और ये बी, इनके बीच में केवल एक ही साइड है, और एक साइड का रेजिस्टेंस कितना है, आर है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये देखिए ए और बी के बीच में मैंने आर कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया आर। अब ये देखिए, ये जो बाकी जो ग्रिड नेटवर्क की जो रिपीटिंग यूनिट थी स्क्वायर, उसकी ये दूसरी साइड, ये तीसरी साइड और ये चौथी साइड, हर साइड का रेजिस्टेंस आर है। तो मैंने क्या किया कि इन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मैंने एक्स मान लिया, तो इधर जो जाएगा वो ग्रिड इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, इधर भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और ऊपर की तरफ भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तो मैंने क्या किया कि मैंने मान लिया कि जो बाकी जो होगा उसमें से अगर मैं ये एक निकाल लूँ तो कोई फ़र्क तो पड़ना है नहीं। तो हमने क्या किया, तो इसका भी x मान लिया, और इसका भी x मान लिया, और इसका भी x मान लिया, जैसे हमने कल लैडर नेटवर्क में किया था। अब बेटा देखिए, अब ये जो ग्रिड नेटवर्क है, एक मेरा सिंपल सर्किट बन गया। ये जो R और x है ये दोनों पैरेलल में है, इधर भी दोनों पैरेलल में है, और इधर भी ये दोनों पैरेलल में है, और ये जो तीनों का जो कम्बिनेशन है आपस में सीरीज़ में है। तो पैरेलल में अगर दो रेजिस्टेंस हो, इफ़ टू रेजिस्टेंस आर वन एंड आर टू आर इन द पैरेलल बिटवीन ए एंड बी, तो हम कैसे इक्विवेलेंट निकालते हैं दो पैरेलल का, दोनों का ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, ये आर और एक्स जो पैरेलल में था मैंने ऊपर क्या कर दिया बेटा, प्रोडक्ट, और नीचे क्या कर दिया, एडिशन कर दिया। सेम ऐसे ही इधर और ऐसे ही इधर, इधर ये आर बचा तो मैंने आर को इनके बीच में कनेक्ट कर दिया। अब ये देखिए, ये जो ये वाला और ये वाला जो रेजिस्टेंस है तीनों बेटा सीरीज़ में है, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अगर डायरेक्टली ऐड कर देंगे तो एक रेजिस्टेंस का थ्री टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि तीनों सेम है। अब ये देखिए, थ्री आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स और ये आर, ये दोनों पैरेलल में हैं। अगर ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का निकालने का रेजिस्टेंस, अभी मैंने बताया था, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो ऊपर उनका प्रोडक्ट और नीचे उनका एडिशन। अब ये इक्विवेलेंट जो मैंने माना था एक्स माना था, और अब ऐसे जब मैंने इक्विवेलेंट निकाला तो ये आया, तो अब ये किसके इक्वल पुट कर सकता हूँ मैं, एक्स के इक्वल, क्योंकि इक्विवेलेंट तो मेरे पास एक्स है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, अब इस इक्वेशन से मैं एक्स को सोल्व करूँगा। सबसे पहले मैंने क्या किया कि ये देखिए, इधर इस डेनोमिनेटर में से आर मैं कॉमन ले सकता हूँ, अगर आर मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से ऊपर वाला एक आर जो है न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में जो एक आर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, थ्री आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और नीचे क्या बचेगा, अपॉन थ्री एक्स अपॉन आर प्लस एक्स प्लस वन, दैट इज इक्वल टू एक्स। अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये जो डेनोमिनेटर है इसको मैं राइट साइड की तरफ लेके जाऊँगा और मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वाला मेरा लेफ्ट साइड बच जाएगा, थ्री आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, दैट इज इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इसको मैं वन से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो थ्री एक्स प्लस आर प्लस एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, और एक्स इधर पहले से था तो इन टू एक्स। अब ये देखिए, इधर भी राइट साइड में भी आर प्लस एक्स और इधर भी आर प्लस एक्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ये देखिए, जो इधर बचेगा वो बचेगा थ्री आर एक्स, और थ्री एक्स प्लस थ्री एक्स कितना, फोर एक्स,
और ये 4x इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, और इधर क्या बचा दूसरा r, और rx के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा rx। अब यहाँ से देखिए, अब मैं क्या करूँगा, rx को मैं इधर लेफ्ट साइड ले आऊँगा तो 3x 3rx माइनस rx कितना हो जाएगा 2rx। अब ये जो 2rx है इधर राइट साइड में क्या बच जाएगा 4x स्क्वायर। अब मैं इसको इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2rx इज इक्वल टू जीरो। 2x मेरा कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या बचेगा 2x माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू जीरो। या तो 2x इज इक्वल टू जीरो आएगा या 2x माइनस आर इक्वल टू जीरो आएगा। अगर 2x को मैं इक्वल टू जीरो करता हूँ तो x की वैल्यू जीरो आएगी, और x मेरा क्या था बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या बचेगी 2x माइनस आर को जब मैं इक्वल टू जीरो पुट करूँगा तो x मेरे पास आ जाएगा बेटा आर अपॉन टू। तो ये जो हमने ग्रिड नेटवर्क देखा था, ये इस तरह का जो स्क्वायर टाइप जो इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क था, अगर इसकी हर एक साइड का रेजिस्टेंस R है तो इन दो पॉइंट के बीच में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मेरे पास आया R अपॉन टू। अब देखिए बेटा कि ये NTSC ने पूछा, और ये थोड़ा सा इसका जो कैलकुलेशन है दैट इज लिटिल बिट लेंथी, और एक मिनट का टाइम हमें मुश्किल से मिलता है फिजिक्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, एक इसका शॉर्टकट निकालेंगे। अब देखिए वो शॉर्टकट ऐसा जनरल फॉर्मूला है जो अगर हम किसी भी टाइप के इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क पे लगाएंगे तो सीधा हम इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। तो देखिए जनरल फॉर्मूला देखिए, इन एन इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क इफ देयर आर एन साइड्स देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दैट ग्रिड बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द सेम रिपीटिंग यूनिट क्या होगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन माइनस टू अपॉन एन इंटू आर। यहाँ पे आर क्या है बेटा, ये जो हमारे पास आर है ना, आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द साइड ऑफ रिपीटिंग यूनिट। जैसे कि जो हमने अभी अभी जो क्वेश्चन किया था स्क्वायर टाइप इनफाइनाइट ग्रिड का, उसमें जो हमारी रिपीटिंग यूनिट थी वो हमारे पास स्क्वायर थी, तो जो स्क्वायर की जो एक साइड थी उसका कितना रेजिस्टेंस है वो ये आर हमारा है, ठीक है। n इज़ द नंबर ऑफ द साइड्स ऑफ द रिपीटिंग यूनिट। अब ये देखिए, अब जो हमने अभी जिसको बेसिक तरीके से किया था लेडर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट से, अगर मैं उसको इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करना चाहूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n तो हमारे पास 4 हो जाएगा स्क्वायर टाइप इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क में, तो n की जगह मैं 4 पुट कर दूंगा तो 4 माइनस 2 अपॉन 4 इंटू आर, तो ये ऊपर क्या बचेगा 2, नीचे 4, तो 2 अपॉन 4 इंटू आर कितना आया r अपॉन 2 आया। अब मान लीजिए क्वेश्चन में NTSC ने जो पूछा बेटा वो स्क्वायर टाइप इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क था। अब मान लीजिए कोई और कंपटीशन एग्जाम पूछ ले, वो ट्रेंगुलर टाइप पूछ ले, हेक्सागोनल टाइप पूछ ले, पेंटागोनल टाइप पूछ ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर ट्रेंगुलर टाइप इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क पूछा है तो इसमें एन कितना हो जाएगा 3, क्योंकि एक ट्रेंगुलर शेप में कितने साइड्स होती है, हमारे पास 3 साइड होती है, तो 3 माइनस 2 अपॉन 3, और लेट आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्रेंगल, देन वाट विल बी द नेट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रेंगुलर इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क। यहाँ पे देखिए 1 अपॉन 3 इंटू आर दैट इज इक्वल टू आर अपॉन 3। तो ये था बेटा हमारा इनफाइनाइट ग्रिड नेटवर्क का कॉन्सेप्ट। अब देखिए जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये देखिए इसको स्टार डेल्टा क्यों बोलते हैं। अब सबसे पहले ये है क्या, इट इज मैथमेटिकल टेक्निक, इट्स सिंपल मैथमेटिकल टेक्निक टू सिंप्लीफाई इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। अब ये देखिए बेटा हम इसको यूज कहाँ करेंगे और यूज कैसे करेंगे, इट्स जस्ट द हेल्प ऑफ द मैथमेटिक्स विच इज़ यूज्ड इन फिजिक्स। तो ये देखिए बेटा, मान लीजिए हमारे पास अगर किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें ये शेप दिखाई देती है, तो ये देखिए डेल्टा जैसी दिखाई देती है ना, और ये वाली जो शेप दिखाई देती है ये देखो वाई जैसी दिखाई देती है, और थोड़ा बहुत स्टार से भी रिजेंबल होता है, तो हम इसको डेल्टा स्टार और डेल्टा वाई और वाई डेल्टा बोल देते हैं एज पर देयर शेप्स। तो अब मान लीजिए अगर हमारे को इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा कहीं पे पार्ट दिखाई देता है तो हम उसको इसमें बदलें, तो कैसे बदलेंगे ये देखिए बेटा। देखिए बेटा अगर मेरे को ये जो डेल्टा है इसमें 3 रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 और R3, और मेरे को ये RA बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से सुनो, याद रखने का तरीका क्या है, अगर मैं इस स्टार को और वाई को इस डेल्टा के अंदर ले आऊँ तो ये जो RA है ये R2 और R3 के बीच में आ जाएगा, तो जो RA बनेगा ना वो R2 और R3 से बनेगा, तो मैं क्या करूँगा R2 और R3 का तो मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे इन तीनों का एडिशन कर दूंगा, तो RA जो आएगा इस वाले डेल्टा को जब हम रिड्यूस करके Y बनाएंगे तो जो RA आएगा वो क्या आएगा R2 into R3 अपॉन 3 नीचे जो इसमें डेनोमिनेटर में रहेगा
तीन नीचे तीनों का जोड़ रहेगा। अब ये देखिए, सिमिलरली अगर मेरे को आर बी निकालना हो बेटा, तो आर बी जो आएगा, अगर मैं इस स्टार को इस डेल्टा के अंदर रख दूं, तो आर बी इधर कहीं आएगा। तो आर बी देखें किससे जाके कनेक्ट होगा, आर थ्री और आर वन से। तो आर बी को निकालते टाइम ऊपर इन दोनों का प्रोडक्ट और नीचे टोटल सम यही आया, आर वन इंटू आर थ्री अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। सिमिलरली आर सी क्या आ जाएगा, आर सी हमारे पास आ जाएगा आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो ये तो था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा टू वाई और स्टार। अगर हमें उल्टा करना हो बेटा, मान लीजिए उल्टा, क्या उल्टा मतलब अगर हमें स्टार से वाई से डेल्टा में जाना हो तो हम कैसे करेंगे, ये देखें। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्टार और वाई टू डेल्टा हम कैसे करेंगे। अब मेरे को ये इलेक्ट्रिकल सर्किट में मेरे को ये हिस्सा कहीं दिखाई दे रहा है और मेरे को उस इस हिस्से को इसमें कन्वर्ट करना है। तो आर ए, आर बी और आर सी से मेरे पास तीन रेजिस्टेंस बन जाएंगे, आर वन, आर टू और आर थ्री। लेकिन उन आर वन की वैल्यू और आर टू और आर थ्री की वैल्यू आर ए, आर बी और आर सी की टर्म में क्या होगी, तो वो देखिए। ये जो बेटा आर ए है ना, आप ये देखिए, अगर मैं वही काम करूँगा, इसको इसके अंदर लेके जाऊँगा, तो आर ए के साथ आर ए के जो आर वन के जो बिल्कुल अपोजिट होगा वो क्या होगा, आर ए। तो आपको याद रखने का सिंपल सा तरीका रखना है, ऊपर तो दोनों का पेयर में प्रोडक्ट, तीनों का दोनों दो दो करके पेयर में प्रोडक्ट रहेगा तीनों रेजिस्टेंस से। तो ये देखिए, ए और बी का प्रोडक्ट किया आर ए आर बी, फिर बी और सी का किया आर बी आर सी, फिर सी और ए का किया आर सी आर ए। अब ये देखिए, अब मैंने क्या किया, जब मैं इसको इसके अंदर लेके जाऊंगा, तो मैं तो आर वन निकाल रहा हूँ ना, तो आर वन के अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, आर ए, तो अपॉन में कर दूंगा आर ए। ऐसे अगर मेरे को आर टू निकालना हो तो वही ऊपर वाला तो सेम रहेगा फॉर्मूले में, ये सेम। और जब ये अंदर आएगा इसके, तो आर टू के अपोजिट कौन सा रेजिस्टेंस जाएगा, आर बी, तो नीचे आर बी कर दिया। सिमिलरली मैं आर थ्री निकाल सकता हूँ। अब ये देखिए, अब ये जो मैंने कॉन्सेप्ट सीखा, ये स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार, ये मैथमेटिकल टेक्निक है, मैंने आपको बताया पहले भी। अब मैं इस टेक्निक को लगाऊंगा कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालने के लिए, तो एक एग्जांपल हम देखते हैं बेटा। एग्जांपल ध्यान से देखिए, ये 2 ओम, ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 5 ओम और ये 2 ओम। दिखने में क्या लग रहा है, दिखने में हमें व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा लग रहा है, ना तो ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है ना ये पैरेलल में। तो अब ध्यान से देखिए बेटा, तो मैंने तुमको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज दिखे है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चेक करेंगे कि वो जो ब्रिज है वो बैलेंस है या नहीं है। तो बैलेंस है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, आर वन अपॉन आर टू, टू अपॉन फाइव आएगा, और ये जो हमारे पास है आर थ्री अपॉन आर फोर, ये 5/2 आएगा। तो 2/5 इज नॉट इक्वल टू 5/2, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। और वही कंडीशन जब व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो, तो तब हम इस स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार को यूज करते हैं। अब ये देखिए, इस अरेंजमेंट को, इस इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी मैं इसको मैनिपुलेट कर सकता हूँ, कोई फ़र्क तो होगा नहीं। अब ये देखिए, ये जो 2, 5 और जो 10 का जो ये रेजिस्टेंस बना है, ये हमारे पास किस फॉर्म में है, डेल्टा फॉर्म में है। अब यहाँ से तो मेरे को पता नहीं चल रहा कि 10 ओम किसके साथ सीरीज़ में है, किसके साथ पैरेलल में है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं इस डेल्टा को स्टार में बदल लूँगा। जब मैं इस डेल्टा को बेटा स्टार में बदलूँगा, तो मेरे पास जो कहानी आएगी वो कैसे आएगी, एक रेजिस्टेंस इधर बन जाएगा और दूसरा मेरे पास इधर बन जाएगा और तीसरा मेरे पास इधर बन जाएगा, और ये जो है ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, और जो फिर फाइनल जो सर्किट होगा उसमें यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस और ये 5 ओम और ये 2 ओम आएगा। तो फिर देखेंगे, मतलब सर्किट इस तरह का बन जाएगा। अब ये देखो, ये सिंपल सीरीज पैरेलल जैसा दिख रहा है, तो मतलब अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज हो, हम दोनों निकाल सकते हैं। अब बात आती है कि जो ये वाला रेजिस्टेंस आएगा, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखिए, ये वाला रेजिस्टेंस किससे कनेक्ट है, 2 से 5 से, तो 2 और 5 का ऊपर हम प्रोडक्ट कर लेंगे, नीचे तीनों का एडिशन कर लेंगे, 2 का 5 का और 10 का, तो कितना आ जाएगा, 10/17। अब ऐसे ही मेरे को अगर ये वाला रेजिस्टेंस, मतलब ये वाला निकालना है, तो ये किसके साथ कनेक्ट होगा, 2 के साथ और 10 के साथ, नीचे ऊपर प्रोडक्ट और नीचे एडिशन, तो कितना आ जाएगा, 20/17। अब ये वाला अगर मेरे को निकालना है, जो इधर ये है, तो ये किसके साथ कनेक्ट है, यहाँ पे इस 10 के साथ और 5 के साथ, तो कितना हो गया, 5 इंटू 10/17, 50/17। तो अब ये देखिए बेटा,
अब ये वाला और ये वाला आपस में सीरीज में है और ये वाला और ये वाला आपस में सीरीज में है, तो जब मैं इनको सोल्व करूँगा तो ये इनका जो नेट आएगा इसके नेट के साथ किस में आएगा, पैरेलल में आएगा। तो मैंने सोल्व किया तो ये देखो, ये इन दो को सोल्व करने के बाद जो मेरे पास आया वो 105 अपॉन 17 आया और 84 अपॉन 17 आया। अब ये जो इधर 10 अपॉन 17 होगा इनके साथ इनका जो कम्बिनेशन होगा वो सीरीज में आएगा, तो मैं इक्विवेलेंट निकालूंगा ए और बी के बीच में, तो आ जाएगा 10 अपॉन 3 ओम। थैंक यू बेटा।